एक मिनट रुकिए, ऊपर खड़े हो गए, खड़े हो गए। जिस तरह से आज आप सोनीपत आए हो और चौधरी देवीलाल जी की भी सभा होने वाली है बहुत बड़ी, तो क्या कहना चाहते हो सोनीपत के लिए? मैं तो लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ और आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि 25 सितंबर को आप फतेहाबाद पहुंचे। मेरा अंदाजा है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित होंगे और हम देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेताओं को निमंत्रण देकर के यहाँ बुलाएंगे। जिस तरह से हरियाणा में SYL का मुद्दा जो है, मुझे आज भी याद है जब आपका शासनकाल था तो समझौता आया था, एक अदालत का फैसला आया था, तो आज भी SYL का पानी जो है वो हरियाणा को नहीं मिल पाया और केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार नहीं दे रही। आज सिरसा हिसार में इस तरह की बात सामने, जबकि पंजाब में थोड़ी दिक्कत। आयोग के फैसले के मुताबिक जितना पानी हमें हमारे हिस्से का मिलना चाहिए था वो हमें पंजाब वालों ने दिया नहीं था। हमने इसके मुतलक सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार से कहा था कि आप पंजाब की सरकार को कहो वो बढ़ाए या आप खुद बनाओ, लेकिन अब तक वो फैसला नहीं हुआ। अब फिर दोबारा सर्वोच्च न्यायालय ने फिर केंद्र की सरकार को कहा है कि आप इनके हिस्से का पानी इनको दिलाओ। अगर पंजाब की सरकार इस बात पर मजीद रही, हमारा पानी अगर उन्होंने नहीं दिया तो हमें भी इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, कल से आपसे मुलाकात हुई थी, मुलायम जी से मुलाकात हुई उनकी, क्या वहां पर बातचीत हुई, क्या तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारियां हैं, वो जोरों पर हैं? आज इस देश का हर नागरिक, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई चमार धानक वाल्मीकि रेगर खटीक खाती कुम्हार लोहार सुनार मणिहार नाई तेली धोबी मोची व्यापारी दुकानदार कारखानेदार मजदूर किसान चमेरा इवन प्रेस के लोग भी मौजूदा शासन तंत्र से दुखी हैं, नाराज। इसलिए आज सभी लोग इस प्रयास में हैं कि सभी को इकट्ठे होकर के इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तीसरे मोर्चे गठन की जो तैयारियां हैं वो कब तक इम्प्लीमेंट है, वो हो जाएंगी? क्योंकि नीतीश कुमार है, केजरीवाल से भी मिले, आपसे भी मिले, आपसे क्या बातचीत हुई? मैंने अभी बताया तो है, आप समझ नहीं पा रहे या उसको दोबारा रिपीट कर रहे हो। जब मैंने कह दिया तो लड़ाई लड़े सर, जिस तरह से अपने यहाँ जयंती रैली में 25 सितंबर को कौन कौन से बड़े नेता शिरकत करने वाले? अभी तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं सबको निमंत्रण दूंगा। अब कौन कौन आएंगे, मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आ जाना, आप स्वयं अपने आँख से देखें। बिल्कुल सरकार नहीं है, ये तो अपराधियों का एक गिरोह है, लुटेरे वर्ग के लोग हैं, इनका दाव लग गया, इन्होंने जात पात धर्म मजहब के नाम पर देश को बांट करके सत्ता हथिया ली और अब इन्हें प्रदेश से देश से कोई सरोकार नहीं, लूटने पर लगे हुए। सर, जिस प्रकार से शहर में जो है लगातार अवैध शराब की कुकर्म होने लग रही है, लूट मची हुई, ये इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं, इस योजनाबद्ध देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, ये थापड़ किर्लोस्कर मोदी अंबानी अडानी जैसे उनके पास जा रहा है। आज आपको प्रश्न पूछूं, आपको बिजली मिलती है क्या? पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है लोगों, कृषि प्रधान देश में
किसान को खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अजीब तमाशा ये है कि खेती के लिए हमें ट्रैक्टर में इंजन में डीजल दिलाना पड़ता है, डीजल के दाम तो रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज में जो डीजल डलता है वो रोज मंदा हो रहा है, क्योंकि उसमें अमीर लोग सफर करते हैं। वीरेंद्र सिंह नाम से कोई सरोकार नहीं, हमारी तो केवल एक सोच है, हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। हमारा लोगों से संपर्क है, हम लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि इसको शासन का अंत किया जा सके। ठीक है, दिन प्रतिदिन में